जो है यहाँ के साला वो तो कुछ सुनता नहीं कुत्ता। कौन कौन इतना नाराज है? देखिए नाराजगी जो है तो है, 10 बार उनके पास जाओ साइन कर दो, कल आना है नहीं, गाड़ी खड़ी रहती है, कोई है ही नहीं उनके घर में। भाई साहब का नाम भी बता दे। भाई साहब का नाम उनकी बीबी के हमका नहीं पता, सीधी सी बात है। उनका नाम तो पता है, उनको नाम हमका नहीं पता है। अरे अड़ोरा राय जौन राय हुए, जब कबो देखा ही ना पड़े, फिर अरे भैया वाट दे बिटिया वाट दे, अब किला हमें तो पहले लगवा कर, पहले पहला कीमा करो सीवर में। दिक्कत ये है कि जब से ये सीवर पड़ा है आज तक कोई इसको देखने नहीं आया कि ये बह रहा है कि किसी घर घर में जा रहा, क्या हो रहा, झाड़ू तक भी लगाने कोई नहीं आता। देखो बह रहा है, कसाब करो। पासा जी का भी शिकायत नहीं की? अरे बारे में पास्ता हो, पास्ता मेरी बात सुनो, कसाब करो बढ़िया, आओ जाओ वाट हमसे लियो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सतेज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बता दें इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और जिस क्षेत्र में हूं ये आपको बता दें वार्ड नंबर 50 कहलाता है। पीछे आप देख रहे हैं एकदम बेहतरीन सी रोड है, स्मार्ट सिटी का नज़ारा आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है, फैज़ाबाद से मल्हौर की तरफ रोड जाती है। जस्ट पीछे आप देख रहे हैं, इस रोड के जस्ट पीछे आप, यहाँ पर रोड नहीं है और जो आपने तस्वीरें देखी वो स्मार्ट सिटी की रोड है। पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से कूड़ा, ये एंट्रेंस का नज़ारा है वार्ड नंबर 50 का। अंदर चलते हैं और जानते हैं कि ये समस्या कब से है और क्या विकास हुआ यहाँ का और क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का। पीछे देख रहे हैं कुछ लोग हैं यहाँ पे, चल के बात करते हैं, आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। भाई क्या नाम है आपका, यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप लोग? हाँ पहले से रह रहे हैं हम लोग यहाँ। ये कूड़ा देख रहे हैं आप जी, समस्या कब से है? ये हमेशा से समस्या बनी हुई है। ऐसे कब से लगभग? अरे जब से हम पैदा हुए तब से हम देख रहे हैं। पार्षद जी से कभी शिकायत की इसको लेकर? नहीं, शिकायत कई बार की है पर ऐसे ही रहता है, ये कभी उठ जाता है फिर ऐसे ही हो जाता है। यहाँ पे कभी सफाई नहीं करवाई? नहीं होती है पर ऐसे ही हो जाता है फिर। ये मतलब होती रेगुलर कोई सफाई? ना ना, इसका कोई समाधान नहीं। मतलब जैसे नगर निगम आकर के कूड़े के बॉक्स रखवा देती है आसपास, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, बॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं। ऐसे रोड भी नहीं बनी हुई है? ना ना रोड नहीं है। सीवर की समस्या? सीवर लाइन इधर है ही नहीं अभी। है ही नहीं? ना ना। पार्षद जी से कभी कहे इन सबको लेकर? कहा नहीं कभी, पर ऐसे ही रहता ही है हमेशा। ऐसे स्ट्रीट लाइट को लेकर कभी बात? वो तो लाइट जलती है यहाँ पे, लाइट की दिक्कत नहीं है, बस मेन दिक्कत ये कूड़े की है। कूड़े से बीमारियाँ फैल रही, डेंगू देखे समय कितना चल रहा है और डेंगू वगैरह भी फैल रहा है, इससे डेंगू की दिक्कत हो रही है। बिल्कुल हो रही है। उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे लगातार इस पर वर्क हो रहा है। अरे यहाँ देखिए आप क्या वर्क हो रहा है। अच्छा यहाँ पार्षद किस पार्टी से है? भाजपा से है। भाजपा से है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी इस तरीके की दिक्कत? क्या किया जाए, जो है सो है, भोग रहे हम लोग। शिकायत कभी नहीं की है? नहीं शिकायत कभी की नहीं हमने, कभी नहीं की है। आपने की? आप भी यहीं पर रहते हैं? हम भी यहीं पर रहते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असद है। कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ से यहाँ लगभग जो 20 साल से रह रहा हूँ। पूरा बचपना गुजरा है, अब जवानी? मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ जब से भाजपा का पार्षद बना हुआ है, ये अगर कोई कार्य कराने भी जाता है तो अपना झंडा लगा के जाता है ना, ये झंडा लगा के किस बात को जो प्रस्तुत करना चाहते हैं ये जनता पूछती है और हम लोग पूछते हैं कि हम लोग अपना एक एक वोट देकर पार्षद बनाते हैं कि हमारे कार्य हों। ये देखिए पीछे जो कूड़ा पड़ा हुआ है इससे कितनी बीमारी फैलती है और हम लोगों को जो इस समय जो डेंगू का जो वो चल रहा है, अब आप बताइए इससे नुकसान है कि नहीं है? तो पार्षद जी से कभी शिकायत नहीं की आप लोग? बिल्कुल करते हैं हम लोग, संगठित होके जाते हैं, 50-50 लोग के होके जाते हैं, फिर भी पार्षद जी हमारी बात सुनते ही नहीं है। 50 लोग मतलब पूरे मोहल्ले की ऐसी समस्या रहती? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा मोहल्ला हम लोग मिलके गए, कई बार गए बताए कि ऐसा 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 मामला है हमारे वहाँ जो कूड़ा पड़ा हुआ है, कहते नहीं गाड़ी भेजते तो हैं, गाड़ी आती है गाड़ी चली जाती है पता ही नहीं चलता है, कूड़ा उठता ही नहीं है, 5 साल से ये कूड़ा यहीं पड़ा हुआ है, ना ये हट रहा है ना ये हटाया जा रहा है। अच्छा एक बात और कर ले, फॉगिंग की व्यवस्था कराई जाती है, आपने डेंगू का नाम लिया, डेंगू के मच्छरों के लेकर के फॉगिंग की व्यवस्था होती है, तो क्या मच्छरों की जो दवाई का जो छिड़काव होता है उसी गाड़ी आती है क्या? जी आती है लेकिन वो कॉलोनियों में कराई जाती है, ये गांव में जो चिन्हट गांव है ये हमारा ये पूरा गांव है इसमें कार्य नहीं होते, ये कॉलोनियों में काम करते हैं। अगर इनसे सवाल किया जाए तो ये कहते हैं कि हमको कॉलोनी से वोट मिलेगा,
ये वोट के लिए काम करते हैं भाई। पार्षद चुना जाता है तो पूरे क्षेत्र का पार्षद होता है ना जीतने के बाद। भाई जीतने के बाद पार्षद हमारा हुआ, हमारे पार्षद माननीय पार्षद, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, हम लोग मिलके जाते हैं लेकिन हमारा कार्य नहीं होते तो हम बेबस होके लौट आते हैं। अच्छा अच्छा, अभी चुनाव एकदम सिर पे आ रहा, पार्षद जी तो आएंगे, क्या कहेंगे उनसे? बिल्कुल यही कहेंगे कि भैया आप जाइए, आपकी बस की बात नहीं है पार्षद ही चलाना। आप तो जो भेदभाव की नज़र से देखते हैं, हिंदू मुसलमान की नज़र से देखते हैं, आप काम नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है पार्षद जी का? पार्षद जी का स्नेहलता राय जी नाम है, लेकिन भ्रमित किया जाता है इनके अजन पीए द्वारा कि अरोड़ा पार्षद हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र में, जो कि अजन क्षेत्र की जनता नहीं जानती है कि पार्षद कौन है हमारा। क्षेत्र की जनता भी नहीं, बिल्कुल नहीं जानती है क्षेत्र की जनता, क्योंकि भ्रमित करने का काम करते हैं इनके पीए लोग। अजन व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उसके माध्यम से अजन प्रसारित करते हैं कि अरोड़ा पार्षद हैं, बल्कि प्रतिनिधि पार्षद हैं अरोड़ा, वो अच्छा, प्रतिनिधि अच्छा, है। अच्छा, वो अरुण राय प्रतिनिधि है। ये क्षेत्र में देख रहे हैं ना, सड़क का निर्माण दिख रहा है ना अंदर सीवर का, इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है? इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सीवर लाइन का है। हमारे क्षेत्र में हम लोगों के जो गली मोहल्ले में सबसे बड़ी दिक्कत है सीवर लाइन। सीवर तो पड़ गई लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं होती कभी, और सीवर बह रहे हैं जैसे कि आपने जो पीछे देखा मोहल्ले में पासिन टोला लगता है, उसमें जो किस तरीके से सीवर बह रहा है, ये आपको जो एक छोटा सा नमूना है। आप जो पूरे क्षेत्र के भ्रमण करिए, 50,000 की जनता है वार्ड में, लेकिन कार्य किके हो रहे हैं, 500 लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। कॉलोनियों में काम होते हैं जहाँ जो उनको जो घूस मिलती है। अच्छा 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 अच्छा, पार्षद जी तो कहते हैं हम तो क्षेत्र में जाते हैं, अच्छे काम कराए हैं, और आपको हर चीज़ नहीं दिखाई दे रही कहीं? बिल्कुल, पार्षद जी क्षेत्र में आते हैं कब? वो अगर जो साफ सफाई कराने आएंगे, भाई पार्षद हैं तो चाहिए कि जनता के जो लिए काम करें, लेकिन वो अपना झंडा लगा के आते हैं, वो दिखाते हैं कि हम योदी मोगी और जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, जो जनता जो लगाना नहीं चाहती, काम नहीं होते क्यों लगाएगी? आप जो नाली हिसाब करवाएंगे और कूड़ा उठवा देंगे थोड़ा सा एक दिन के लिए, और उसमें जो मीडिया को बुलाएंगे और सब कुछ कराएंगे, प्रसारित करेंगे उसको, लोगों को जो बहकाया जा रहा है। मतलब कागज पे मौसम बिल्कुल हसीन है जी, बिल्कुल, असलियत है जी जी वो कुछ और है। भारत हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयोजन स्वच्छता अभियान चलाया गया, लेकिन ये देखिए ना, यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, आगे कॉलोनियों में कूड़ा जगह जगह इकट्ठा हुआ है, और अगर इसको कोई जला दे तो उस पर जो प्रतिबंध लगता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उस पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर इसको जलाया नहीं जाएगा तो ये कैसे जो खत्म होगा, बताइए। तो आप देख रहे हैं, मैं वार्ड नंबर 50 के अंदर टहल रहा हूँ। ये पुराना चिन्हट है, पुराना चिन्हट एकदम पुराना ही दिख रहा है। सबसे पहले आपको कहूँ कैमरामैन से तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पे एक दादी हमारे साथ है, इनसे हम बात करते हैं। दादी नाम क्या है आपका? हमारा नाम है सरस्वती। कब से रह रही यहाँ पे? यहाँ तो पूरी बीती आ रहे, पूरी जिंदगी बीती जा रही। और का भैया, तो पुराना चिन्हट दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, तभी तो घूमते हैं चिन्हट भर में। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जब से ये सीवर पड़ा है, आज तक कोई इसको देखने नहीं आया कि ये बह रहा है कि किसी घर की घर में जा रहा है, क्या हो रहा है, झाड़ू तक भी लगाने कोई नहीं आता है। सफाई कर्मचारी कभी नहीं आता? नहीं, अब हम लोग अपने हाथ से करते हैं, क्या करें, क्या गंदे में बैठे। अच्छा एक बात कर लें, बारिश होती है तो घर के अंदर पानी भरता है कि नहीं? नहीं जाएगा पानी, जब लैट्रिन वहाँ से जॉन है तो उसमें जाएगी। हमारी लैट्रिन भी सरकार की बनाई नहीं है, हमने अपने हाथ से बनाया है। तो पार्षद जी कभी आते नहीं है क्या? नहीं कभी नहीं आते। वो तो कहते हैं हम आते हैं। कब आते हैं? किसी तो सपने में आए होंगे, कभी सपने में आए होंगे। और क्या, जब हम लोग देखते नहीं, कहते आपके बस्ती से नहीं जीतते हम, कॉलोनी से जीतते हैं। बस्ती से नहीं जीतते, कॉलोनी जीतते। और क्या, अरे काहे झूठ बोल रहे चाची? अरे यार झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं हम सच कहते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते। अच्छा पार्षद जी झूठ बोलते हैं तो वो जाने कि झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। अगर आप आए हैं, आज आए हैं, तो कभी भी कोई पूछेगा तो आपको तो बताया जाएगा कोई आया था। अच्छा 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 एक बात, हाँ बताइए, पार्षद जी का नाम जानती है? नाम तो जानते हैं, अरुण राय। अरुण राय या स्नेहलता राय? उनका नाम नहीं जानते हम, क्यों? वही कभी भी कुछ होता है वही मिलते हैं, वहाँ पर जाते हैं तब। तो अभी तो कहरी मिलते हैं, अभी कहरी नहीं आते हैं। अगर कभी किसी काम में जा, फिर भी एक काम है, वो ऊपर खड़े होते हैं चड्डी पहन के, चाय पी रहे, कह दीजिए भैया दस्तखत कर दो, कहते शाम को आइएगा। अब बताइए वो ऊपर है, हम शाम को जाएं 9 बजे दस्तखत करवाने। यहाँ से कितनी दूर है पार्षद जी का? यहाँ से करीबन करीबन 2 किलोमीटर। कितना कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। चाची 2 किलोमीटर पैदल जाती हैं। तो पैदल ना देखा, उसके बाद कहते, उसके बाद कहते शाम को। और क्या, काफी दिक्कतें हैं। देखिए चाचा नाम क्या आपका? नाम राजेंद्र हमारा है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? तुम कब से यहाँ रहते हो? हम कहाँ रही थे चाचा, हम तो आ जाए। पहले हमारी बात मोहल्ला में, जिंदगी भी तुम मोहल्ला में, घर आए तुम, बता कब से रहते हो?
हाँ कब से? तुम कब से रहते हो? अरे हम तो यहाँ पहली बार आए हैं। मेरी बात सुनो, अरे बताइए, दो नाराज ना होइए, नाराज ना हो। मेरी बात सुनो, हम लोग जिंदगी बीत गए रहते हैं। अच्छा तो एक बात बताइए, यहाँ पे सीवर इवर की समस्या कभी कंप्लेन नहीं किया? हम क्या देखी? अरे हम क्या देख, हम तो देख ही रहे हैं। देखो भाई राय कसाब करो, तो पार्षद जी का भी शिकायत नहीं की? अरे बारे में बात था, पास था, हमारी बात सुनो, साफ करो बढ़िया, आओ जाओ वार्ड हमसे लियो। कौन साफ करे? कौन साफ करे? तुम साफ करो वार्ड, हम तुम ले। अरे हम क्यों वोट लेंगे, हम तो मीडिया से हैं यार। तो मीडिया से ठीक है, इका साफ करो वार्ड हमसे लियो। जो साफ करेगा उसको वोट देंगे? नहीं, जो साफ करे उसका वोट दे भाई, तुम कहना दे भाई। जो साफ करेगा उसको वोट दे भाई। देखिए जो साफ करेगा उसको वोट, साफ तौर समझ रहे हैं कि नाराजगी। अच्छा एक बात बताइए, एक हाँ 20 साल है परीक्षा भर के देखा नाला लगे खड़ंजा लगे देखा है, नरिया बने बने पार्षद कभी नहीं आए, कबो नहीं आवा। देखिए पहले आ जाओ, हम लोग घर नहीं बने, सब कच्चे बने हैं, देख लो इनका उठा देखो। देखिए देखिए देखिए, इनकी नाराजगी है कि पार्षद कभी नहीं है, पीछे और भी महिलाएं छोटे छोटे देखिए बच्चे खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? ललिता। कब से यहाँ पे रह रही? कैमरे की तरफ देख करके। चलिए आप बताइए नाम क्या आपका? मेरा नाम गौरी है। कब से यहाँ पे रह रही है? बहुत सालों से, मैं तो 27 साल से यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए हैं। अच्छा यहाँ जब गुजरती हैं तो सड़कें कैसी आपको दिख रही हैं? अरे पानी इतना इतना भरा रहता है, जब पानी गिरता है और क्या, बारिश में काफी दिक्कतें होती हैं। और क्या, पार्षद जी आएंगे किन मुद्दों पे वोट देंगे? अरे आप बताइए, उनको ना सुनाइए, आप ये बताइए पार्षद जी इस बार जब आएंगे मौजूदा पार्षद, तो किन मुद्दों पर उनसे बात होगी और किन मुद्दों पे वोट करने? जो बात चल रही है उस पर बात होगी, और फिर अगर वो सफाई करवा रहे हैं तो फिर उनके लिए वोट भी जाएंगी, ऐसा थोड़े ना है। तो कह तो रहे इतना इतना पानी भरा रहता है, पानी तो इतना रहता है तो वोट नहीं देंगी? देंगे क्यों नहीं, लेकिन अगर सफाई होगी और सब चीज का ध्यान रखा जाएगा तो देंगे। और सब चीज का सफाई का ध्यान दिया जाएगा तब वोट होगा। आप बताइए नाम क्या आपका? नीतू। क्या क्या होने वाला है इस बार चुनाव? बिल्कुल सिर पर है, होने वाला ये है कि अगर यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं दिखाई देगा, नहीं सफाई करवाएगा, वोट किसी को नहीं मिलेगी, चाहे चचा हो या जो है कर्मचारी, या किसी कोई भी हो, हम किसी को वोट नहीं देंगे यहाँ से, चाहे चच्चा हो, चच्चा कौन भी हो, चच्चा कौन है, जो चच्चा आए हैं करवाते हैं काम उनको, वो भी वही है, सभी चच्चा जो करवावत हैं काम, अभी तक उन इलेक्शन में नहीं जीते भी नहीं है ना रहे, उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, काम आज भी है, जाएंगे चच्चा के पास वो तुरंत करते, जो है यहाँ के साला वो तो खुद सुनता नहीं कुत्ता। कौन कौन इतना नाराज है? देखिए नाराजगी जो है तो है, 10 बार उनके पास जाओ साइन कर दो, कल आना है नहीं, गाड़ी खड़ी रहती है, कोई है ही नहीं उनके घर में। भाई साहब का नाम भी तो बता दे, भाई साहब का नाम, उनकी बीबी के हमका नहीं पता, सीधी सी बात है। अच्छा, उनका नाम तो पता है? उनको नाम हमका नहीं पता है। अरे अड़ोरा राय, जौन राय हुए, जब कबो देखा ही ना पड़े, फिर अरे भैया वाट देहो, बिटिया वाट देहो, अब किला हमें तो पहला गवा करो, कहते पहले पहला गीमा करो सीबर में, तो क्या कहेंगे, वोट किस बात पे देंगे? हम वोट है उनका, पहली बात ना दे, जब तक कोई यहाँ काम ना करो हम वोट ना दे किसी को नहीं, बस। देखिए नाराजगी कितनी है, काम नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे, सड़के आप देख रहे हैं, वोट ना दे जब तक काम हमारे मोहल्ले में ना हो, तो लैटिंग महीने थोड़ी रहा खाती नहीं, वोट दे रहे हैं सबका, साफ मर रहा खातिन कूड़ा वाला आवत दो दिन रहिया भाग जे तुरंत, नाली साफ करा ले, झाड़ू दिखा जाए, कल आएंगे पैसा दे देना, पैसे लिए अगले सब तैयार रहते हैं, काम कोई ना करे, पैसा लेने के लिए तैयार, काम कोई नहीं करे, काम कोई नहीं करा, 100 दो 500 दो। अच्छा एक बात, ये मच्छरों के लिए डेंगू के लिए छिड़काव होता नहीं आवत, कभी कोई नहीं आवत, सफाई कर्मचारी 17-20 साल यहाँ रह गए कोई नहीं आवत, हम 20 साल में कोई नहीं देखे, सफाई कर्मचारी कोई नहीं आवत, लाइट स्ट्रीट लाइट सीवर तो आपके सामने ही, सड़क कुछ नहीं। अच्छा नाम क्या है आपका? मनोज कुमार। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? पैदाइशी मतलब बचपन से, और क्या, बचपना गुजर गया यहाँ पे, सड़क देख रहे हैं सबसे पहले घुसते ही यहाँ पे देखा, सड़क का जो नज़ारा है वो एकदम बेहतरीन, एकदम स्मार्ट सिटी दिख रही है। हाँ बिल्कुल दिख रही है, बारिश में और अच्छा दिखेगा, और बेहतरीन होता है, क्या नज़ारा होता है बताएंगे? अरे नज़ारा इतना कि पूछो मत, लोग आते जाते बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते, बंद कर देते, आपका तो घर ही पड़ता है, इधर से गुजरते कैसे? मैं उधर जाते नहीं, मैं ऐसे निकल जाता हूँ उधर, क्या मतलब है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी यूज। हाँ बस वही है। अच्छा क्या पार्षद जी कभी आते हैं क्षेत्र में? ना। कौन है पार्षद मालूम है? हाँ कौन ये हैं तुम्हारे? कौन है? स्नेहलता। स्नेहलता वो आई कभी ना?
नहीं आई। अच्छा यहाँ पे इसके अलावा बात करें सीवर की, तो सीवर क्या व्यवस्था? सीवर तो बहते रहते हैं ऑलरेडी, ये देखो ये सब सीवर पानी बह रहा है। स्ट्रीट लाइट की ना लाइट है कहाँ? कहीं नहीं, कहीं नहीं। अच्छा एक चीज़ और बात करें, सबसे मेजर डेंगू की बीमारी चल रही है कि अपने उप मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर एक्टिव है, डेंगू को लेकर तमाम वर्क करें, क्या फॉगिंग होती है क्षेत्र में? नगर निगम करवाता है? नहीं आता है, 10-12 दिन में एक गाड़ी आ जाता है वो धुआं माल वाला। 10-12 दिन में? अच्छा क्या सफाई कर्मचारी आते हैं डेली? ना नहीं आते, 8-10 दिन कभी आ गए तो आ गए। नाराज तो नहीं एक तरफा बोल? नहीं नाराज का कोई मतलब नहीं, हमारे को मुझसे घर के हैं वो, मतलब जो सही है वही बता। बस बस बस। ऐसा क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार प्रजापति। कब से रह रहे हैं? बचपन से। बचपन से रह रहे, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं है? कुछ नहीं बढ़िया है। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं आए। बुरे दिन भी नहीं आए? बुरे हैं। बुरे कैसे हैं? कैसे नहीं है, हर चीज में कमी है। क्या कमी है? रोड बन नहीं रही है, पानी भर जाता है, बारिश होती है तुरंत पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है। सीवर की क्या व्यवस्था है? सीवर भी पड़ा तो है लेकिन वो भी बेकार है। मतलब नाम का सीवर? हाँ नाम का है। अच्छा पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में कि नहीं? कभी नहीं आते, कभी आ जाते हैं 4-6 महीने में एक बार, आ गए तो आ गए। इसलिए आते हैं? अब पता नहीं, देखते हैं चले जाते हैं। मतलब मोहल्ले में आते हैं, देख निगरानी रखते हैं? हाँ मतलब बराबर नहीं, 6 महीने साल भर में एक बार आते हैं। अच्छा समस्याओं को लेकर के जब पार्षद जी के पास जाते हैं तब क्या आपको रिप्लाई मिलता है? बात ही नहीं हो पाती, बताते हैं शाम को आइए, शाम को बैठेंगे। वो शाम कभी नहीं होती? वो शाम कभी होती नहीं, वो शाम कभी होती ही नहीं। चाची आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुनीता चौधरी। अच्छा यहाँ समस्याएं क्या है? समस्या का सड़क वड़क नहीं बना, सब चाहला भरा रहती है बरसात तो। बरसात में समस्या होती है? हाँ नाली वाली सब बही रहेगा कच्चू। अच्छा क्या सफाई कर्मचारी आते? सफाई कर्मचारी भी नहीं आते? वो थोड़ा बहुत सफाई कर जाती है, वाले इधर एक झाड़ू मार दी, झाड़ू उधर मार दी, बस मतलब एक तरफ इधर कर दिया उधर कर दिया, सही से काम नहीं होता, सही झाड़ू वाड़ू लगाना चाहिए। अच्छा एक बात और करें, मच्छरों को लेकर के डेंगू बीमारी को लेकर के लगातार वर्क हो रहा है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद भी बोल रहे हैं कि हाँ काम करवा रहे हैं, हम देखभाल साफ तौर से कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर फॉगिंग वगैरह होती है मच्छरों की दवाई? नहीं दवा नहीं, कुछ नहीं होती है? नहीं होती है कि नहीं? नहीं होती है, ये देख लीजिए आप तो देख रहे हैं। हम तो आज पहली बार आए। चाचा आप बताइए तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? कब से रह रहे हैं? हमेशा तो रहते हैं। अच्छा तो यहाँ पे क्या फॉगिंग वगैरह होती है कि नहीं? कुछ नहीं होती, ऐसे है। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था क्या रहती है? कुछ नहीं, मतलब दिक्कतें ही दिक्कतें, पार्षद जी ध्यान नहीं देते? सब दिक्कत है, देख रहे हैं सभी, देखे क्या नाराजगी। हाँ मच्छर बहुत है, मच्छर रहते हैं, फॉगिंग होती नहीं, देखिए दिक्कतें काफी है। आइए चलिए पीछे भी चलते हैं और बात करते हैं। एक ये देखिए लाइट दिखा रहे ऊपर, चाची उंगली ऊपर करके दिखा रही है लाइट। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? रेशमा प्रजापति। काहे नाराज है पार्षद जी से? हम नाराज कोई से नहीं है, खुश है पार्षद जी से? हाँ सबसे खुश हैं, मगर हमारी नाली सड़क बन जाए, लाइट लग जाए, अच्छा लगे और सबके मोहल्ला से पूरी चनेट भर में अच्छा लगता है, खाली हमारे मोहल्ला एक है तो खराब है। क्या नाम है मोहल्ले का? मोहल्ले कुम्हारन टोला। कुम्हारन टोला। पार्षद जी नहीं आते? आते हैं, आते हैं देख कर चले जाते हैं। काम में कुछ नहीं करवाते? काम हमारे मोहल्ले में नहीं कराया, सब कहीं कराया। काहे नहीं करवाते, कभी पूछिए? नहीं हमने नहीं पूछा, वो कहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ बस हो जाएगा, टंकी रखा दिया है खाली, कहीं कर रहे हैं टंकी रखाया पानी के। विकास हुआ छोटा मोटा? विकास हुआ है, छोटा मोटा विकास हुआ। नाम क्या है आपका? हमारा माला नाम। कब से रह रही हैं आप? हम यहाँ रहेगा हमका 20 साल रहा। सड़क तो कभी नहीं बनी ऐसा लोग बोल रहे हैं? नहीं हमारे तो सड़क यहाँ नहीं बनी, सड़क कुमार मोहल्लम नहीं बनी है, आवत है सब देख के चले जाते हैं। और हमारे मोहल्ले में बम्बा रहा, वो भी बम्बा दिखाए एप्लीकेशन डाले, वहाँ उखा लेके चले गए, बम्बा ही उखड़ गए, उखाड़ ले गए। तो अब पानी की व्यवस्था कैसे होती है? पानी का दूसरे घर से भर रहे हैं, वो भी कहन की तनखा ना है, तुम्हारा हम कॉलोनी दिला दिया, वो भी पैसा खर्च करा ली, वो भी नहीं भाव कॉलोनी दिलाई, वो बम्बा नहीं हुआ सही करवाई, वैसे बम्बा पड़ा दूसरे घर से पानी भर रहे हैं। पार्षद जी कौन है? पार्षद सभासद ये कहा ना अरुण राय। अरुण राय? हाँ। स्नेहलता? ना मालूम नहीं है, मालूम नहीं। देखिए मालूम नहीं है यहाँ पे लोगों को, और भी अंदर चलते डीप में चल के बात करते हैं और जानने कोशिश करते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या है। आपका नाम मैम क्या है? वंदना। कब से रह रही यहाँ पे? अरे 8-10 साल हो गए हैं हमको रहने तो रहते हैं। अच्छा पुश्तैनी आप भी आ जाइए, हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पे समस्याएं क्या होती हैं? अरे समस्याएं आप लोग खुद ही देख लीजिए, ये नाली है, ये कूड़ा है, देख लीजिए, झाड़ू लगाते इसी में डाल देते हैं और क्या करते हैं। कभी कूड़े की गाड़ी नहीं आती? कूड़े की गाड़ी आती है, झूठ कहे गए। कब कितने, एक हफ्ते में कितनी बार आती? अरे हफ्ते में वो 4 चक्कर आती है, वो 4 बार नहीं आती, लेकिन हमारे घर का कूड़ा नहीं लेती। हमारे घर का है तो मतलब मिट्टी वगैरह होती है, इसलिए कहती है ये मिट्टी नहीं लेंगे हम, मिट्टी नहीं लेंगे। हाँ कच्चा घर है, अब फर्श तो पड़ी नहीं, ना टाइल्स लगी हुई है।
मतलब गरीबों के यहाँ गाड़ी नहीं आई? नहीं, गाड़ी तो आती, ये नहीं कहेंगे गाड़ी नहीं आती, लेकिन बस कूड़ा नहीं, कूड़ा नहीं लेंगे। हाँ, कूड़ा नहीं लेंगे। देखिए, कूड़ा नहीं लेंगे, कहीं कहीं छोटी मोटी समस्याएं होती है, लेकिन कूड़ा गाड़ी आएगी, कूड़ा नहीं लेगी। पीछे देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात। अच्छा भैया, आपसे बात कर ले, पीछे जब आए थे तो रोड कैसी थी? नाम क्या है? पंकज। रोड जब आए हैं तो रोड कैसी है? रोड तो बेकार, एकदम एकदम बेकार है। कभी शिकायत की इसको लेकर के? शिकायत बहुत भाई, बने नहीं थी उन्होंने लोग, कोई नहीं बनने दिया। मतलब ये बनने जात रहा, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, मतलब मैं नहीं करूँ, भाग्य सर बनावे ले। पार्षद जी आते क्षेत्र में? पार्षद जी मतलब सभासद, सभासद आते हैं, घर चले तो याद है, कब होगा इसमें नहीं करेंगे तक। चाची, नाम क्या आपका? राम प्यारी। कब से रह रहे हैं? अरे हो गए 30 साल। 30 साल से यहाँ पे देख रहे हैं, बगल में ही नाली आली है आपके, यहीं पानी बजबजाता रहता है, कभी इसको लेकर पार्षद जी से शिकायत नहीं करी है? कैसे शिकायत करे, आगे जब मोरंग गिट्टी भरे हैं तो बताओ कैसे शिकायत हो, कहते रोड पर कुरवा है तो कहा कि जाए, कहाँ पानी चला जाए, भरा रही बे। सफाई कर्मचारी नहीं आते? आते हैं तो क्या करे, इतने में सफा कर लेते, ऊपर ऊपर नीचे पड़ा रह देते, और क्या करिए, ऊपर ऊपर साफ कर लेते बाकी पड़ा रहने, और क्या जाने से ही मोहल्ला माटी रहा, ऐसे नहीं तो रोटे नहीं बनती, ना नरिया साफ करे हमें, ना कुछ हमें, जब कहीं है तो ऊपर ऊपर साफ कर ले, अपन काम निकाल ले। अच्छा, यहाँ के रोड की भी समस्या काफी है, बरसात में कैसा माहौल रहता है? अरे भैया, ट्यूनी ट्यूनी पानी भरा रहता है, इधर को निकल नहीं पावत, गाड़ी है भर भर की, दिक्कत काफी है। आओ का। अच्छा, एक बात और करें, मच्छरों को लेकर के काफी समस्या बताई जा रही है आप गंदगी के कारण, तो क्या फॉगिंग वगैरह जो मच्छरों के लेकर जो दवाई छिड़काव होता है वो होता है या नहीं होता? कबो कदार होता है। कितने कितने दिन में? अरे आवत तो साल 6 महीना में आवत, महीने में 3 चक्कर आवत, बस 3 चक्कर आते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग पार्षद जी के पास जाते हो? अरे भैया, कितने बार शिकायत करी भैया, कहाँ करा जाए? कितनी बार शिकायत की है वो? अरे वही भैया करा था सब। कौन भैया? अरे वो जो नीला घर है। नीला घर है? अच्छा, नीला घर शिकायत करते हैं चाची। अच्छा, आप लोग नहीं गई उनके पास, पार्षद जी के पास? अरे कहा जाए सवा साथ, कहा तो हम, आप कहा रोड बनवा तो बनवाई नहीं, बनावे दी नहीं तो कहीं नहीं, अब बनी ना, 2-4 साल बनबे नहीं करी, अब कहा मालूम बने कि ना बने, 2-4 साल बनबे नहीं करी। तो आप वार्ड नंबर 50 चिन्हट प्रथम में पब्लिक की समस्याएं सुन रहे थे, कहीं सीवर को लेकर के समस्या थी, कहीं पर रोड पे जल भराव की समस्या हो जाती बारिश में, तमाम समस्याएं हमारे बीच में रखी। इस बीच में हमने वहां पर एक क्षेत्रीय नेता का नाम सुना जो कि पिछली बार के उप विजेता भी हैं। मेरे साथ में इस समय इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ कहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, पूरे चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, क्षेत्र में जब निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा मुद्दे पब्लिक कौन से आपके सामने रखती है? सबसे ज़्यादा मुद्दे जो इस चिन्हट वार्ड के अंतर्गत हैं, सबसे ज़्यादा सीवर का है। पूरे चिन्हट कस्बे में सीवर जो है ओवरफ्लो कर रहे हैं और रोड पे बह रहे हैं, जिससे कि यहाँ की जनता बहुत परेशान है, इसकी गंदगी और बदबू से लोग परेशान हो रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके बाद में सफाई की व्यवस्था बहुत ठीक नहीं है, जगह जगह पे कूड़े के ढेर हैं, नालियों की सफाई नहीं हो रही, जिससे जनता बहुत त्रस्त है। अच्छा, आप उपविजेता रहे, 2 बार के उपविजेता हैं, बात जब पब्लिक से होती है तो पब्लिक कहती है पार्षद जी क्षेत्र में नहीं आते, और पार्षद जी से जब होती है तो कहते हैं हम क्षेत्र में जाते हैं, तो ये कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी है जो पब्लिक और पार्षद जी के बीच में नहीं बन रही है? पार्षद जी सही माना जाए तो जो प्रेजेंट टाइम पे पार्षद हैं, ये चिन्हट कस्बे के पार्षद ना होकर के चिन्हट की कॉलोनियों के पार्षद हैं। चिन्हट को इन्होंने पूरी तरह से उपेक्षित कर रखा है। चिन्हट के जो मोहल्ले हैं, चाहे टिन्ना आतशबाज के पीछे देख लीजिए, वहाँ पे चमरही वगैरह में बारिश के दिनों में काफ़ी जलभराव हो जाता है, बीमारियाँ फैलती हैं, लोग परेशान होते हैं। दूसरी तरफ कुम्हारों का मोहल्ला है, वहाँ पे बारिश के मौसम में कीचड़, नाली और सड़क न बनने की वजह से, सीवर की समस्या का निदान न होने की वजह से वहाँ के भी लोग बहुत परेशान हैं। और उसके अतिरिक्त बौद्ध विहार कॉलोनी में उसको तो पूरी तरह से इन्होंने उपेक्षित कर रखा है, जहाँ पे न कोई निर्माण कार्य आज तक हुआ और न कभी वहाँ पे सफाई की कोई व्यवस्था होती है। अच्छा, इस बार फिर से चुनाव में आप दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, एक बात कर लें, क्या इस बार का चुनाव आपको टफ लग रहा है? क्या बड़ी चुनौती है ये? मुझे तो लग रहा है, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, लोगों का समर्थन, हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है, और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जनता हमको इस बार चुनेगी और हम जनता के जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करेंगे। अच्छा, पार्षद जी की पर्सनली अगर बात कर ले तो 5 साल के कई काम वो गिनाते हैं, आप भी लगातार एक्टिव हो रहे हैं, पब्लिक बात करती है, आपकी भी बात करती है, तो कौन से ऐसे काम हैं, किस काम को लेकर के पब्लिक प्रभावित है जिस वजह से आपको चुने, किस वजह से आपको चुन करके पार्षद बनाए?
पिछले 5 नहीं बल्कि मैं 20-22 साल से जनता के बीच में हूँ, और जनता की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो राशन कार्ड की समस्या रही हो, चाहे वो विधवा पेंशन का हो, वृद्धा पेंशन का हो, विकलांग पेंशन का हो, या और भी जो कोई छोटे मोटे कार्य मेरे स्तर के आए, मैंने शासन प्रशासन में प्रयास करके उनका सबका कार्य कराया है। अच्छा, और आज भी वो जारी है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे पहले आप क्षेत्र में मान लीजिए चुन करके आते हैं, तो सबसे पहला कौन सा काम कराने वाले हैं आप? मेरी अपनी समझ से जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा इस टाइम पे समस्या है वो सीवर की है, जिसको दूर करना बहुत अत्यंत आवश्यक है, और मेरा पूरा प्रयास होगा, भले उसके लिए मुझे जन आंदोलन चलाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, सबसे पहले मैं सीवर की समस्या को सॉल्व करूँगा। क्षेत्र की जनता के लिए एक मैसेज, क्षेत्र की जनता क्या मैसेज देंगे? चुनाव एकदम सिर पर है, हो सकता है दोबारा से फिर से मुलाकात ना हो, तो क्षेत्र की जनता के लिए वो मैसेज जो आपको चुनाव में तक याद रहे और पब्लिक को भी याद रहे। जनता के बीच में रहेंगे और उनके सारे सुख दुख में हमेशा शामिल रहेंगे, जिस तरह से पिछले 20-22 साल से लोगों के साथ में काम किया है, उससे ज़्यादा और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में लोगों की मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे, यहाँ के उप विजेता रहे हैं और साफ तौर से दावा कर रहे हैं कि पब्लिक का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे और सपोर्ट करेंगे। पिछले 20-22 साल से लगातार ग्राउंड पर वर्क किया है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भाजपा के जो पार्षद हैं दावे कर रहे हैं ग्राउंड पर वर्क करने के, दूसरी तरफ पब्लिक क्या कुछ कह रही है साफ तौर से आपके सामने स्क्रीन पर। तो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और ये वीडियो जितना ज्यादा ज्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।